हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं गणित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.2। प्रश्नावली 9.1 में हमने पदों को जोड़ा था और घटाया था। इस प्रश्नावली के अंदर हम पदों की गुणा करेंगे, उनका गुणनफल निकालेंगे। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित एक पद युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें पद दिए हुए हैं, एक पद, उनका हमें क्या करना है, गुणनफल गुणा करनी है। तो आइए इसको एक एक करके सभी भागों को हल करते हैं। पहले सवाल का पहला भाग है 4 और 7b, 4 और 7p, हमें इन दोनों पदों के आपस में गुणा करनी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 × 7p, 4 की गुणा करेंगे 7 से, हो जाएगा 28p। तो इसका आंसर हो जाएगा 28p। इसका सेकंड पार्ट है घटा 4p और 7p, तो घटा 4p × 7p करेंगे हम। 4 की गुणा 7 से करेंगे, 28 आएगा, घटा का निशान है, घटा लग जाएगा, p × p। अब बच्चों यहाँ पर पी की गुणा पी से है 2 बार, पी गुणा पी कितनी बार है, 2 बार, तो पी की घात हो जाएगी 2, ये आपने ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट −4p और 7p क्यों, तो −4p गुणा करेंगे हम 7p क्यों से। अब 4 की गुणा होगी 7 से, 4 × 7 = 28, निशान आएगा घटा। अब पी की गुणा पी क्यों से, तो बच्चों पी की गुणा किससे होगी, पी के साथ, पी की गुणा पी से हो जाएगी p² और साथ में क्या लग जाएगा, क्यों, तो ये इसका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है 4p³ × 3p, तो 4p³ की हम गुणा करेंगे घटा के 3p से। 4 की गुणा करो पहले 3 से, 4 की गुणा 3 से, 4 × 3 = 12, निशान है घटा, तो घटा लग जाएगा। अब पी की 3 है और यहाँ पर पी की 1 है, पी के ऊपर कोई घात नहीं तो 1 मानी जाएगी, तो पी की 3 × p, तो पी की घात यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 1, 3 और 1 = 4, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। पी की 3 की गुणा करेंगे पी से, तो पी की घात हो जाएगी 4। पांचवा पार्ट है 4p × 0, 4p की गुणा करेंगे 0 से, तो बच्चों यहाँ पर सीधा लिख देंगे हम 0, क्यों, क्योंकि 0 की गुणा किसी के साथ भी करेंगे हम, चाहे वो संख्या कुछ भी हो, 0 के साथ गुणा करते ही क्या हो जाएगा, 0। प्रश्न संख्या 2 में है, निम्नलिखित एक पदी बहुयुग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें आयतों का क्षेत्रफल बताना है, लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई, ये लंबाई है और ये हमारी क्या है, चौड़ाई, तो हमें निकालना आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई चौड़ाई में दी हुई है पदों के रूप में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर पी, आयत की चौड़ाई बराबर क्यू, हमें निकालना आयत का क्षेत्रफल। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, पी की गुणा किससे कर देंगे, क्यों से, ये आ जाएगा पी क्यों, ये इसका आंसर होगा। दूसरा पार्ट है 10m और 5n, तो यहाँ पर आयत की लंबाई हमारे पास हो जाएगी 10m, चौड़ाई हमारे पास हो जाएगी आयत की 5n, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 10m × 5n, 10 × 5 = 50 और m × n = (mn), तो 50 mn। तीसरा भाग है 20x² + 5y² तो हमारे पास यहाँ पर लंबाई हो जाएगी 20x² और चौड़ाई हमारे पास हो जाएगी 5y² तो यहाँ से हमारे पास आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई 20x² × 5y² तो बच्चों 20 × 5, 20 × 5 = 100 और x की 2 और साथ में है y की 2,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका 4x और 3x की 2। तो यहाँ पर हमारे पास आयत की लंबाई हम ले लेंगे 4x और आयत की चौड़ाई हम ले लेंगे 3x की 2। तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 4x गुणा 3x की 2। 4 गुणा 3 12, x और गुणा x की 2, x की घात यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो x की घात हो जाएगी 2 × 3 घात, आपस में गुणा करेंगे तो जुड़ जाएगी। इसका अगला पार्ट है, पांचवा पार्ट है इसका 3mn और 4np। यहाँ पर हमारे पास आयत की लंबाई हो जाएगी 3mn और आयत की चौड़ाई हमारे पास हो जाएगी 4np। हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3mn गुणा 4np, ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 4 = 12। m अकेला है तो m को m लिख देंगे, n और n तो n का वर्ग हो जाएगा, p अकेला है तो p रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 m p n की 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।